देखिए, नए साल का स्वागत करने और पुराने साल को अलविदा कहने के लिए हम तो सज धज कर है तैयार। वैसे सज धज कर अपने कॉलेज तो पहुंच गई है सई भी। भाई गुम है किसी के प्यार में, जहां सई को सम्मानित किया जा रहा है और ख्वाबों ख्यालों में तो वो यही इमेजिन कर रही हैं कि उनके विराट इस सब में उनके साथ हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो इनके साथ नहीं है, वो तो उनके साथ है। सई की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन जब उसे कॉलेज सम्मानित कर रहा है, क्योंकि पूरे कॉलेज में सई फर्स्ट आई है। वो क्या है ना, इस फंक्शन में हर कोई आया है, यहाँ तक कि काकू और पाखी भी, लेकिन वो नहीं आया जिसका इंतजार सई कर रही थी। इंतजार करते करते वो कुछ इस कदर गुम हो गई कि उसे सामने विराट सर नजर आ रहे हैं। So she's missing him and she is going through the journey that they both have had. एक तरह से उनकी पूरी कहानी है, तो वो पूरी कहानी इस गाने के थ्रू दिखाने की कोशिश की है, जो सई का इमेजिनेशन है। अब पर्दे पर सई और विराट के रिश्ते को लेकर कई उतार चढ़ाव आपको देखने मिलेंगे, लेकिन पर्दे के पीछे जरा ऐश्वर्या को देखिए कैसे ट्रॉली शॉट लेने की कोशिश कर रही है। स्टेज पर नील तैयार हो रही हैं, तो ऐश्वर्या कोशिश कर रही है कि कैमरे में कैप्चर करे। एक तरफ ये नज़ारा है तो दूसरी ओर यूनिट वालों को देखिए, जहां पर डायरेक्टर भी हैं, कैमरामैन भी हैं, प्रोडक्शन हेड भी है और कोरियोग्राफर भी, जो मिलकर इन सबको डांस सिखा रहा है। जैसे आपने देखा, वहाँ है हमारे डायरेक्टर। अब वो क्या है ना, स्टेज को देखा इन्होंने तो खुद को रोक नहीं पाए, डांस करने का मन किया और फिर शुरू हो गए। ये पूरा सेटअप इन्हीं के लिए हुआ है, ये सेटअप कोई शो कॉलेज के लिए ना ना ना, ना। इनके लिए हुआ ये सेटअप। ये हमारी बहुत ही मल्टी टैलेंटेड टीम थी। Talented. अब भाई हम तो यही कहेंगे कि जब खर्चा किया है ना, तो अच्छे से इस जगह का इस्तेमाल भी कर लीजिए, क्योंकि कल से तो अपने सेट पर ही जाना है शूट करने के लिए। तो स्टेज पे जितना धमाल मस्ती कर सकते हैं ना, उतना कर लेना चाहिए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। पुष्पा, आई हेट टीयर्स। जी हाँ, राजेश खन्ना का डायलॉग आज इसलिए याद आया क्योंकि आज राजेश खन्ना जी का जन्मदिन जो है, लेकिन उसके अलावा इसलिए क्योंकि साउथ के सुपरस्टार का अब स्वागत हो रहा है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, क्योंकि अब वो बॉलीवुड टॉलीवुड की जो डिमार्केशन है ना, वो मिटती जा रही है। वी आर द इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। तो बस अलू अर्जुन लेकर आ गए हैं अपनी थिएटर रिलीज पुष्पा।
आपने उम्मीद की थी कि फैंस कुछ भी कर जाएंगे आपको इस फिल्म को इतना सुपरहिट बनाने के लिए? क्या है ना, पिक्चर बाहर आना है बस, एक पिक्चर अच्छा पिक्चर आ गया तो जरूर घर से निकल के बाहर आएंगे। Samantha Akinyeni, Deepika Padukone and Alia Bhatt ask you on the same day to star opposite you in your next movie. I put my bets on Alia Bhatt. मुझे पता है कि मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, गलत है, फिर भी मैं माफ करना, मैं हिंदी में ही बोलूंगा। I was a struggling actor. स्क्रिप्ट सुन रहा था, कुछ मजा नहीं आया, एक्सीडेंटली मैं एक्टर बन गया। हेलो नमस्कार, मैं हूँ राज दीक्षित और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। दोस्तों उस वक्त मैं सुपर एक्साइटेड हूँ बिकॉज जिस शख्स के साथ मैं बैठा हूँ उनका ऑरा ऐसा है कि मैं अपने सारे सवाल पहले ही भूल चुका हूँ। सो वी हैव सुपर स्टार अल्लू अर्जुन विद अस। अल्लू, वेलकम टू एबीपी न्यूज। जब पुष्पा अनाउंस हुई तब सबके मन में एक डर था कि इन डिफिकल्ट टाइम्स में क्या ये फिल्म वो कमाल दिखा पाएगी, और वाकई में इसने वो कमाल दिखाया जो किसी ने सोचा नहीं था। तो आपने उम्मीद की थी कि फैंस कुछ भी कर जाएंगे आपको इस फिल्म को इतना सुपरहिट बनाने के लिए? आई वॉज वेरी पॉजिटिव अबाउट द तेलुगु स्टेट्स एंड इन द साउथ स्टेट्स आई वॉज प्रीटी पॉजिटिव बिकॉज आई लिव हियर, आई कैन सी। वो मूड ऐसा था कि बहुत दिन हो गया, पिक्चर जाना है, बाहर जाना है। सो मुझे पता है कि ये मूड अब इंडिया में है, पूरा दुनिया में है। हमारी क्या है ना, पिक्चर बाहर आना है बस, एक पिक्चर अच्छा पिक्चर आ गया तो ज़रूर घर से निकल के बाहर आएंगे। आई वॉज होपफुल दैट दे विल डू इट एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट देर एक्चुअली कमिंग आउट एंड स्टेपिंग आउट एंड कमिंग टू थिएटर्स। आई वॉज पॉजिटिव, आई वॉज वेरी पॉजिटिव दैट पीपल विल कम बैक टू थिएटर्स। बाहुबली पीछे हो गई, KGF पीछे हो गई, 229 crores ग्रॉस इन अ वीक। सो जब आपको ये न्यूज़ मिली लगा कि मेरी मेहनत रंग लाई है? ज़रूर, क्योंकि हमने 2 साल इसके लिए काम किया है और 2 साल में 1 साल तो कोरोना में गया और दूसरा साल ऑब्वियसली शूटिंग पे गया, दूसरा लॉकडाउन। इसके बीच में इतना सारे प्रॉब्लम्स थे, इसमें सारी प्रॉब्लम्स के बाद पिक्चर आने के बाद ये सब रिस्पॉन्स देखकर तो हमको बहुत डेफिनेटली वी ऑल फील वेरी सेटिस्फाइड। लेकिन जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है आपका कैरेक्टर पुष्पराज का, और उसका भी अट्रैक्शन है, वो है आपका बॉडी लैंग्वेज उस फिल्म के अंदर, तो इसके लिए कोई स्पेशल तैयारी की थी आपने इस कैरेक्टर को बिल्डअप करने के लिए? हाँ, हम बहुत वर्क किए हैं क्योंकि जो आप देख रहे हैं जब वे आप हिंदी में देख रहे हैं बट तेलुगु में देखा तो वो तेलुगु नहीं है, वो प्रॉपर तेलुगु नहीं है, वो कुछ और डायलेक्ट है। सो उस डायलेक्ट के लिए बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है, बॉडी लैंग्वेज, डायलेक्ट और शोल्डर ऊपर करना है, ये सब बहुत लेयर्स है इसमें। आई थिंक आई लीव टू ऑडियंस टू एक्सप्लोर व्हाट द लेयर्स आर देन मी एक्सप्लेनिंग व्हाट इट इज। बहुत लॉट ऑफ वर्क वेंट इनसाइड। हम लॉकडाउन में भी वर्क कर रहे थे बहुत सारे, यू नो, डायलॉग रिहर्सल्स कर रहे थे, वीडियो कॉल्स में। सो अ लॉट ऑफ थॉट एंड वर्क वेंट इनसाइड फॉर द कैरेक्टर। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू वॉट इज दैट कनेक्शन कि योर फैंस ट्रीट यू लाइक अ गॉड। Thank you, I'm very humbled. Nee, God is, I don't know about the word God, but they treat me very special. I think it, you just have to be, I'm very fortunate, to be very honest, I'm very, very fortunate. But, you know, to have so much love, you know, from everywhere, and I'm genuinely very fortunate to have so much of stardom, so much of fan base, you know, and so much of love from all over, and people, more than everything, you know, people are liking, you know, the kind of effort that I'm putting for the films, and they're recognizing that. बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है, बहुत I'm very humbled. नहीं अलू, आपकी फैमिली में कई सारे लोग बड़े स्टार्स हैं, बड़े टेक्नीशियंस भी हैं, आपको हमेशा से बचपन से इसी फील्ड में आना था, मतलब you always wanted to become an actor? नहीं, एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंटली मैं एक्टर हूँ। व्हाट हैपेंड? आई रियली वांट टू नहीं, आई वाज डूइंग एनिमेशन, मैं एनिमेशन के लिए आई वाज गोइंग अब्रॉड, देन मुझे एक पिक्चर मिला और वो पिक्चर कैंसिल हो गया एंड आई वाज थिंकिंग व्हाई नॉट डू ट्राई एक्टिंग, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर कर रहे थे एक्टिंग, मेरे फादर प्रोड्यूसर थे,
I was thinking two generations of film line. Ab main jaake, I have to start a career, which is, you know, again, I'll be the first generation in that line. I've already have two generations of setup here in this. I think from the third generation, it'll be easier for me to get in. That was the thought process then, around 15-20 years back. So entry acha easier because there's already establishment of family. वहाँ से इट्स देन द रेस्ट इज ऑल जर्नी. मेरा फर्स्ट पिक्चर गंगोत्री था और दूसरा पिक्चर आर्या, और इसके बीच में मुझे पिक्चर्स नहीं था. गंगोत्री बड़ा हिट था बट कुछ पिक्चर्स नहीं आए थे. क्या बोलते हैं, आई वॉज स्ट्रगलिंग एक्टर. स्क्रिप्ट सुन रहा था, कुछ मज़ा नहीं आया. ऑफर्स भी कुछ अच्छा ऑफर्स नहीं है, यू नो, इट्स अ स्ट्रगलिंग फेस, स्पेशली फॉर समवन एट 19-20. वो ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता है. सो बट आई वॉज वेरी श्योर दैट अच्छा पिक्चर करना है. मैंने वेटेड फॉर 8 months एंड देन सुकुमार गारू आई मेट वन डे. ही इज ऑल्सो न्यू डायरेक्टर एंड वी मेट, और मुझे स्क्रिप्ट बहुत अच्छा लगा एंड वी डिड दैट फिल्म एंड दैट इज आर्या. इसके बाद not a second did I have to turn back again. Shreyas ne hindi mein aapki awaaz ko dub kiya. Yes, and he was very thankful. Tweet kiya unhone. I know. I also tweeted saying thank you so much Shreyas ji for giving your beautiful voice. And I hope to meet you sometime soon. And on camera I'd like to thank you for your beautiful, for lending your, you know, for lending your voice and pouring soul to the character of Pushpa. Lekin ek kafi interesting cheez hai, ek jo major shift aaya hai, jo hindi speaking audience hai उनका साउथ की फिल्मों की तरफ वो रुझान, जो साउथ के एक्टर्स हैं अब उनके लिए वो सुपरस्टार्स हैं लाइक यू. तो व्हाट डू यू थिंक शो कि ये जो चेंज है ओवर द पीरियड, ये जो शिफ्ट आया है, ये क्यों आया, इसके पीछे की एक वजह आपको क्या लगती है? बिकॉज आप तो खुद इससे जुड़े. मैं वही बोल रहा हूँ ना, वो जो साउथ पहले था हिंदी सिनेमा में ना, वो मल्टी जॉनर फॉर्मेट, फाइट्स, एक्शन, कॉमेडी, लव और ड्रामा, सेंटिमेंट, या मल्टी जॉनर, यू नो, सलीम जावेद जी के पिक्चर्स देखे तो, या लॉन्ग बैक गोविंदा जी के पिक्चर्स, अनिल कपूर जी के पिक्चर्स, उस टाइम में ना वो 80s में था, बहुत अच्छा था. जब सनी देओल जी का पिक्चर्स, यू नो, वो इंडियन मल्टी जॉनर फॉर्मेट पिक्चर्स थे. इसके बाद क्या हुआ कि वी बिकेम वेरी जॉनर स्पेसिफिक. अगर लव स्टोरी है तो लव स्टोरी, एक्शन है तो एक्शन. ये मल्टी जॉनर फॉर्मेट आई कैन से कम हो गया हिंदी सिनेमा में, एंड आई थिंक ऑडियंस वर समवेयर मिसिंग दैट फॉर्मेट. और साउथ में वो फॉर्मेट हम स्टिल प्रैक्टिस करके ही जा रहे हैं. आई थिंक दैट्स व्हाट दे कनेक्टेड इज व्हाट आई फील. देयर इज अ सेगमेंट कॉल्ड व्हाट इफ. व्हाट इफ. सो ओनली 5 क्वेश्चंस, और उन्होंने बोला प्लीज आस्क अल्लू सर. सो वेरी बेसिक क्वेश्चंस, लेकिन फन क्वेश्चंस. नहीं, आई स्वेयर मैं आपको, आई कैन शेयर दोस क्वेश्चंस. नहीं, कोई बात नहीं. ओके, इट्स वेरी फन. ओके, बाय. What if Allu Arjun stuck in a lift with Shah Rukh, Salman and Aamir? Who do you think you'll be able to get along instantly and why? It's a very simple question because I personally don't know Shah Rukh ji and Salman ji. We've produced film with Aamir sir and I have a close connection, not a close connection, but I have a good association with Aamir ji because we made Gajni with him and he came home and we met and we chatted and, you know, once in a while, you know, I've spoken to him. So now I know him better. This one is my favorite. What if you are asked to play a character of Mahabharat? Would you say yes, first of all? And if yes, then which character would you like? What is then my name? Arjun. What if Allu Arjun is left with only one option amongst a good film with no budget? Good film with no budget. No budget. A big budget film with Rajni sir and your dream story but on OTT platform. Good film. I'll go for the good film. Because ultimately the purpose, joy I have is when people have a good film. Big budget, low budget, you know, when the content connects to the audience and infills your heart. Nothing matters. What if Samantha Akineni, Deepika Padukone and Alia Bhatt ask you on the same day to star opposite you in your next movie? Who would you choose first? According to the script, I'll choose. The script will choose. Very smart. No, genuinely. Because each one of them is good at, you know, everybody has their strengths. To be very honest, if it's a Telugu speaking film, for me the language is important.
obviously my first choice will be Samantha Ikineni. Or if it's generally it's a very high, let's say it's a very, very typical, very extremely challenging performance-oriented role, I'd put my bets on Alia Bhatt. Or if it's like a overall wow, you know, it's like a 360-degree, how do you say, it's got a part of glamour, it's got a part of stardom, it's got a part of, you know, performance. If there's an all-rounder, no much choice would be Deepika Padukone. I generally go by, you know, what the script asks. The script will ask you. Okay, Bollywood mein kai sari South ki movie ka remake bana hai aur super hit hui hai. But PK, Mohabbatein and Lagaan. Okay, agar aapko poocha jaye to be a leading man, to in teenon mein se kis film ko aap choose karenge? I think I'll choose Lagaan. And lastly, जाते जाते मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, जो audience है, जो आपको देख रही है, जो south में तो देख रही है लेकिन हिंदी में भी, उन्हें अगर आप कुछ message देना चाहें. Oh, ज़रूर ज़रूर. मैं हिंदी में ही बोलूँगा. मुझे पता है कि मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, गलत है, फिर भी मैं माफ़ करना, मैं हिंदी में ही बोलूँगा क्योंकि इतने सारे लोग हिंदी में देख रहे हैं और आपको समझना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ. बहुत 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 शुक्रिया. आप इतने प्यार दिख रहे हैं हमको, बहुत कैसे बोलना है, हमको बहुत बहुत शुक्रिया. मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मुझे उतना हिंदी नहीं आता है, बट हमारे पिक्चर्स देखने के लिए, हमको लव करने के लिए, हमको रेस्पेक्ट देने के लिए, इज्जत दे रहे हैं आप सबके लिए, बहुत 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 शुक्रिया. और जरूर देखिएगा क्योंकि अगर आपने नहीं देखा तो पुष्पा पुष्पा राज बैठ झुकेगा नहीं. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. राज दीक्षित, एबीपी न्यूज, हैदराबाद. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. उफ, ये फिल्मी रोमांटिक सीन्स, आई टेल यू सम ऑफ दीज थिंग्स नेवर गो आउट ऑफ फैशन, चाहे वो जितने भी क्लीशे हो जाए. अब सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है को ही ले लीजिए. यहाँ पर एक तरफ तो अक्षरा ने अभिमन्यु को कह दिया आई लव यू, तो वहीं अभिमन्यु ने अक्षरा की मांग भर दी. ना ना, ऐसे ही नहीं, खून भरी मांग भरी है. अक्षरा की खून भरी मांग. जी हाँ, ये अक्षरा थोड़ी सी फिल्मी है ना, तो इसीलिए चाहती है कि उसका अभिमन्यु एकदम फिल्मी तरीके से उसकी मांग भर दे. तो अभिमन्यु भला पीछे कहाँ हटेगा. उसने भी देखो चाकू से अपनी उंगली काटी और जब खून बाहर आया तो भरने चला गया अक्षरा की मांग. हाँ हाँ, खून भरी. मैं तो कह रही हूँ भर दे भर दे. मैं तो कर रही हूँ भर दे, कर लो शादी. तू कह रही हो ये? हाँ. अच्छा, ओके, मेरे कर लो शादी. हाँ. देखा जाए, देखा जाए. अब इसे कहते हैं असली वाला प्यार, जो है अक्षरा और अभिमन्यु को. आज ये दोनों नशे की हालत में हैं, जहाँ पर अक्षरा ने अपने प्यार का इजहार भी कर दिया है. पहली बार बोल रही है आई लव यू. जब इसकी आंखें खुली थी तब. दूसरी बार. जब इसकी आंखें खुली तब. इन्होंने सुना नहीं है. जब आंखें खुली थी तब, आंखें खोल कर, आंखों में आंखें देख कर,
वैसे नशे वाले इस सीन को देखकर अक्षरा और अभिमन्यु के फैंस के पैर तो जमीन पर नहीं टिकेंगे, क्योंकि इसी पल का तो वो इंतजार कर रहे थे। और देखिए, जो उन्होंने मांगा उससे दुगना उन्हें मिल गया। होश में रहते हुए जो ये नहीं कर पाते थे वो उन्होंने सब कुछ कर दिया जब अपने होश खो बैठे थे। खैर, अब आपको बता ही देते हैं, ये सीन फिल्मी तो था, लेकिन जब अपने खून से अभिमन्यु अक्षरा की मांग भरने जाएगा ना, उसी वक्त दोनों बेहोश हो जाएंगे, यानी कि ये सीन फ्रीज हो जाएगा और उसके बाद घर वाले पहुंच जाएंगे। अब ये फिल्मी शादी भले ही इस वक्त अधूरी रह गई हो, लेकिन हाँ, इस शादी के मंडप में रीति रिवाज के साथ इनकी शादी पूरी जरूर होगी। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? जी हाँ, कुछ इतनी ही मेलोड्रामेटिक हो रही है हमारी लक्ष्मी सीरियल भाग्य लक्ष्मी में। माथे में कुमकुम लगाकर पहुंच गई है ससुराल वालों के सामने, पूछ रही है सवाल कि अगर तुम्हें पता था कि ऋषि मलिष्का को चाहता है तो मुझसे शादी क्यों कराई, क्यों? सबको पता था, आप सब मलिष्का और ऋषि के रिश्ते के बारे में जानते थे। मेरी ऋषि से शादी होने से पहले से आप सब जानते थे। आपने कैसे होने दिया मुझे, ये कैसे होने दिया आपने मेरे साथ? ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा दिल चीर दिया मुझे। इतना दर्द हुआ मुझे। कल रात को भी नहीं माना जब मैंने ऋषि को शादी करते हुए देखा था अपनी आंखों से। मुझे लगा था कल रात से बड़ा दर्द और क्या हो सकता है, लेकिन ये एक परिवार जिसे वो अपना मानने लग गई थी, एक परिवार जिस पर वो विश्वास करने लग गई थी, आज उसी परिवार ने लक्ष्मी को धोखा दिया है। ये धोखा ऐसा हुआ है उसके साथ कि उसकी जिंदगी अब तहस नहस हो गई है। लक्ष्मी ने अपनी आंखों से देखा कि ऋषि और मलिष्का साथ फेरे ले रहे थे। उसे पता चल गया कि इन दोनों के बीच रिश्ता है प्यार वाला। अब जब घर वालों को पता था कि ऋषि लक्ष्मी को नहीं मलिष्का को चाहता है, तो लक्ष्मी ये सवाल पूछ रही है कि आखिर उसकी शादी क्यों करवाई गई? उसके दिल में मानो किसी ने छेद कर दिया हो। आप बोलो कि आपको नहीं पता था मलिष्का और ऋषि के बारे में। उसको ये गारंटी थी कि और कोई नहीं, बाहूजी तो सच्चे हैं और होंगे हमेशा उसके साथ। तो वो उसको जो पता चलता है कि नहीं, बाहूजी भी शामिल थे। तो जो सवाल उसने पूछे, मेरे पास जवाब ऑब्वियसली कुछ था ही नहीं। उसका दर्द अब ये घर वाले महसूस भी नहीं कर सकते। लक्ष्मी तड़प रही है, वो सदमे में है। उसने देवी माँ से भी यही सवाल पूछा, लेकिन अब उसके सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है। इसीलिए तो उसने फैसला ले लिया है कि वो अपना ससुराल छोड़ देगी। जिस घर में वो दुल्हन बनकर आई थी, उस चौखट को लांघकर अब वो ये घर छोड़ देगी। अब लक्ष्मी तो चली गई, लेकिन ऋषि का क्या जब घर वालों को पता चलेगा कि उसने जो कारनामा किया है उसका असर सब पर क्या पड़ा है? मुंबई से सुरभि रणसिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बड़े अच्छे लगते हैं जी हाँ हमें राम कपूर, लेकिन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा ये जो वायरस जिसकी जकड़ में राम आ गए हैं। ना सिर्फ सीरियल में ही नहीं, एक्चुअल में नकुल जो है वो कोरोना
चपेट में आ गए हैं, एंड क्योंकि ये एक रोज आने वाला सीरियल है, तो ऐसे में सीरियल में भी यही दिखाया जा रहा है कि राम कपूर को एक खौफनाक वायरस ने जकड़ लिया है। राम कपूर को एक वायरस ने पकड़ लिया है। वो क्या है ना, राम कपूर एक फॉरेनर बिजनेसमैन से मिले थे, जिसके चलते उन्हें ये वायरस हो गया। अब ये वायरस है क्या, इसका नाम क्या है, ये सब पता चलेगा 48 घंटे के बाद। तब तक राम कपूर को किसी से भी मिलने की इजाजत नहीं है, कोई भी उनके पास नहीं जा सकता है, केवल उनसे फोन पर बात हो सकती है। कुछ ऐसी ही कहानी अब आपको बड़े अच्छे लगते हैं में देखने मिलेगी। राम किसी फॉरेनर क्लाइंट से मिला था एंड उससे उनको एक वायरस हुआ है। अभी उनका टेस्ट हुआ है, हमें 48 आवर्स बाद पता चलेगा कि एग्जैक्टली व्हाट वायरस इज इट। प्रिया बेचारी परेशान है, क्योंकि वो जानती है कि राम अपना ख्याल अच्छे से नहीं रखेंगे, उन्हें खाना कौन देगा समय पर, दवाइयां कौन देगा, इन सब की चिंता है प्रिया को। अब प्रिया के साथ साथ राम की दोस्त भी तो परेशान है, लेकिन अब दूसरा रास्ता भी क्या है, करे तो क्या करे, उधर बिजनेस का काम भी अब संभालना पड़ रहा है प्रिया को, जो कि उसके लिए एकदम नया नया है। अब राम को एक प्रेजेंटेशन बनाना था और क्लाइंट के सामने दिखाना था, लेकिन राम तो है नहीं और प्रिया को खास कुछ पता नहीं है, तो ऐसे में अब वो करेगी क्या। तो देखिए ना, उसने वही किया जो उसे सही लगा। अब भी बिजनेस क्लाइंट के साथ प्रिया ने इस मीटिंग को तो आगे बढ़वा दिया, लेकिन अब आगे का क्या, क्योंकि राम कपूर तो जल्दी सेट पर आने वाले नहीं है। वैसे आप सब तो जान ही गए होंगे कि राम यानी कि नकुल मेहता को कोरोना हो गया है असल जिंदगी में, जिसके चलते वो अब शूटिंग पर तो नहीं आ सकते हैं। इसीलिए इस सीरियल में अब एक्चुअली वाला ट्रैक लाया गया है, जो देखने में आपको तो बड़ा मजा आने वाला है। मुंबई से सुरभि रणसिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। यकीन मानिए, आज अभिमन्यु नियति को यही कह रहा होगा कि अगर तुम ना होते। जी हाँ, क्योंकि अगर नियति नहीं होती तो अभिमन्यु का तो आज हो जाना था काम तमाम। वो क्या है कि जैसे ही नियति का गृह प्रवेश हुआ, घर का बड़ा सा झूमर यूं जाकर अभिमन्यु पर गिरने लगा, लेकिन हमारी हीरोइन थी ना, बचा लिया हीरो को। अभी अभी तो उसका गृह प्रवेश हुआ है, उसने अभी अभी अपने ससुराल में कदम रखा है, और कदम रखते ही इतना बड़ा हादसा भला कैसे हो सकता है। अब सवाल तो हमने पूछा कैसे हो सकता है, लेकिन भाई ये तो हादसा हुआ है, अब ये कोई अनहोनी तो हो नहीं सकती है। नियति को आभास हो गया था कि कुछ अनर्थ होने वाला है, और देखिए हुआ भी कुछ ऐसा ही। अभिमन्यु जो अपने होशो हवास में नहीं है, व्हीलचेयर पर बैठा हुआ है, तो ऐसे में ठीक ऊपर से झूमर कैसे उसके ऊपर गिरने को आया। नियति अभिमन्यु के ऊपर आ गई उसे बचाने के लिए, तो वहीं ऊपर से किसी ने झूमर को भी पकड़ लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन है, तो आपको बता दे कि ये कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु का भाई करण है, जिसकी सीरियल में एंट्री हुई है। अब ये भाई क्या सच में अभिमन्यु की जान बचाना चाहता था, या फिर ये असली विलन है।
तो ये एक बहुत ही अजीब चीज़ होती है घर में। तो निहति को भी लगता है अरे ये क्या हो गया, मतलब मैं अभी तो मैं घर पे आई और झूमर गिर गया, ऐसा मतलब किसने किया या ऐसे ही गिर गया या किसी ने किया या क्या है क्या। तो अभी तो ये बहुत ही क्या कहते हैं, अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी धीरे धीरे ये पता तो लगा ही लेगी निहति के आखिर ये काम किसने किया है। फिलहाल ये सीन सच में रिस्की था क्योंकि इतने बड़े झूमर को नीचे गिराना, थोड़ा सा ऊपर नीचे करना बहुत डिफिकल्ट था। इसके बावजूद पूरी यूनिट ने बड़ी सावधानी के साथ इतना मुश्किल सीन कर दिखाया। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज के अपडेट पर। राजबीर जो अब तक शहर के सामने ड्रामा कर रहा था कि अब वो शहर को बिल्कुल भी नहीं चाहता है ताकि शहर उससे नफरत करने लग जाए। एक एक्सीडेंट हुआ और देखिए कैसे राजबीर के होश ठिकाने लग गए। अब शहर के सामने उसका ये सारा सच सामने आ गया है कि खैर अब इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है, इसीलिए तो ये ढोल नगाड़े बजाकर अपने प्यार का इजहार कर रही हैं। शहर और राजबीर जो पहले दोस्त थे फिर इनकी शादी हुई, लेकिन क्या है ना उस समय पर एक तरफा ही प्यार था और जब शहर को प्यार हुआ था तब बेचारे राजबीर को ड्रामा करना पड़ा। अब तो फिलहाल दोनों के पास कोई वजह नहीं है, इसीलिए अब ये दोनों प्यार करेंगे, बे इंतहा प्यार करेंगे। लेकिन अब हरलीन बुआ के रहते ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, ये दोनों भाइयों को तो उसने अलग कर ही दिया, अब उसकी नजर कहीं शहर और राजबीर पर तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि थोड़े से प्यार में ट्विस्ट आना तो जरूरी है ना। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।